प्रथम लेवल के छठे चैप्टर में आपका स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने आरसीएम डायरेक्ट सेलर की चार भूमिकाओं में से सेलिंग के बारे में कुछ सीखा। आज हम नेटवर्किंग के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सही नेटवर्किंग के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती। सही नेटवर्किंग का मतलब है सक्रिय डायरेक्ट सेलर्स का नेटवर्क। केवल लोगों को ज्वाइन करवा लेना ही काफी नहीं है। यदि आप सफलता के प्रति गंभीर हैं, तो इस विषय के प्रति भी आपको गंभीर होना पड़ेगा। इसके लिए दो बातों का मुख्य ध्यान रखना जरूरी है। पहला है लोगों को प्रोडक्ट की गुणवत्ता से परिचित करवाना, वे पूरी तरह रुचि दिखाने वाले चुनिंदा लोगों को ही ज्वाइन करवाना, और दूसरा ज्वाइन होने के बाद सही समय पर उनके साथ मिलकर कुछ आवश्यक गतिविधियां करना। इन दोनों बातों का ध्यान रखकर बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है। बिजनेस में लगातार ग्रोथ की जा सकती है। अक्सर देखने में आता है कुछ डायरेक्ट सेलर ज्वाइनिंग को ही सब कुछ मान लेते हैं। वे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह बताए बगैर या प्रोडक्ट को बिना उपयोग करवाए सीधा ज्वाइन करवा देते हैं। ज्वाइन करवाने के बाद भी उनको न तो किसी तरह की जानकारी देते हैं और न ही किसी तरह की गतिविधियां उनकी करवाते हैं। इस तरह की ज्वाइनिंग का कोई फायदा नहीं होता है और सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। ध्यान रखना होगा, आरसीएम में खाली ज्वाइनिंग का कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी मिलेगा जब वह व्यक्ति प्रोडक्ट की खरीद करेगा और आगे सक्रिय डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क बनाएगा, क्योंकि लाभ बिक्री से मिलता है। खरीद नहीं करने वाले लोगों में तो उल्टा समय ही खर्च होता है। इसलिए लोगों को सीधा ज्वाइनिंग नहीं करवाएं, बल्कि पहले उनको प्रोडक्ट की विशेषताएं बताएं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। यह गतिविधि आप कितने भी लोगों के साथ कर सकते हैं और कितने भी समय तक उनके साथ जारी रख सकते हैं। उन सभी के नाम व विवरण आप बिल्डिंग क्वालिटी टीम बुक में भर लें, जिससे आपको फॉलोअप में आसानी रहेगी। आप उनको रजिस्टर्ड बायर भी बना सकते हैं। रजिस्टर्ड बायर बनाने का आसान सिस्टम वेबसाइट पर आपकी लॉगिन आईडी में उपलब्ध है। इनमें से ज्वाइनिंग आप उन्हीं लोगों को करवाएं जो खुद अच्छी तरह रुचि लेकर काम करना चाहते हो। ज्वाइनिंग करवाने के पश्चात उनकी सही शुरुआत करवाने में आपका व अपलाइन का फॉलोअप बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए व्यक्ति को सिस्टम में लाने के लिए प्रारंभिक तैयारी व शुरुआती पहला महीना बहुत बड़ा महत्व रखता है। उस महीने में उठाया गया एक एक कदम भविष्य को निर्धारित करता है। हर ज्वाइनिंग से अपने फायदे को नहीं देखना है, बल्कि उनको बड़ी कामयाबी दिलाने की सोच रखनी है। आरसीएम में यह संभव है सही शुरुआत के माध्यम से। इसके लिए कुछ गतिविधियों को संपन्न करना होगा। पहला है घर पर जाकर स्वागत करना। आप अपने साथ एक और सक्रिय साथी को लेकर दोनों लोग कपल सहित उस व्यक्ति के घर पर ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर स्वागत करने के लिए जाएं, जिसका मुख्य उद्देश्य आरसीएम परिवार में स्वागत के साथ साथ उनकी आगे की तैयारियों को योजनाबद्ध करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट की विशेषताओं की जानकारी दें, उसके बाद घर पर डिस्प्ले वॉल यानी आप अपनी दुकान खोलकर अच्छी ओपनिंग प्लान करें। यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी आरसीएम के प्रति गंभीरता ही नए व्यक्ति को गंभीरता प्रदान करती है। आपको कपल सहित इसीलिए जाना है क्योंकि यह फैमिली बिजनेस है। प्रोडक्ट की जानकारी पूरी फैमिली को देना जरूरी होता है। एक से ज्यादा नई ज्वाइनिंग होने पर आप सामूहिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं। दूसरा, स्वागत के 3 दिन के भीतर अपनी दुकान बनवा दें। घर में उपयोग आने वाले प्रोडक्ट की खरीद करवाकर उनको उसमें सजा दें। अपनी दुकान बन जाने के पश्चात 3 से 5 दिन के भीतर किसी सक्रिय साथी की लीडरशिप में एक ओपनिंग कार्यक्रम करवा दें, जिसमें नया साथी अपने पड़ोसियों वे जान पहचान वाले कुछ कपल को आमंत्रित करेगा। वहां पर संबोधित करने वाला लीडर आरसीएम प्रोडक्ट की खासियतों के बारे में बताकर उन्हें आरसीएम प्रोडक्ट उपयोग लेने से होने वाले लाभ बताएगा। इससे वहां प्रोडक्ट की डिटेल शुरू हो जाएगी। डायमंड क्लब या स्टार डायमंड क्लब का रास्ता बन जाएगा। इसके अलावा नए ज्वाइन होने वाले व्यक्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतने समय में आरसीएम की कोई बड़ी सेमिनार अटेंड करवा दें, ताकि उसका विजन स्पष्ट हो सके। जानकारियां देने वाले उपयोगी टूल्स दिलवा दें।
बिल्डिंग क्वालिटी टीम बुक दिलवा कर उसको काम में लेना सिखा दें। इस प्रकार लगातार संपर्क में रहते हुए विजन स्पष्ट करने व पूरी तरह सक्रिय करने के लिए हर आवश्यक गतिविधि संपन्न करनी चाहिए। कभी भी गलत सूचनाएं देकर या गलत प्रलोभन देकर सक्रिय करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह दूरदृष्टि का बिजनेस है, इसलिए विजन स्पष्ट करना व गतिविधियों की शुरुआत सक्रिय करने के लिए दो ही बातें आवश्यक हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले विषय के साथ।